वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद श्री नंदनंदन गोपीजनो समायुक्तं बृंदावनं मनोहर वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधु वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव वृंदावई तुलसीदेव वै प्रिया वै केशव सच कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वई नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम वीतातिहम पनुत बाल भवद्विभूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाया विस्फुरजित किमपि कपोवधूषुदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा किमां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनकापदातु संकीर्तनैकवितरो कमलाशताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवन्ति मनुष्यमर्थदमनित्यमपि ह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत अनुमत्ति यावत् निःश्रेयसायो विषय खलु सर्वतोषात्
लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशंभमान्ते मनुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत मनुमित्तु यावत् निःश्रेयसायो विषयः खलु सर्वतोषात्। श्रील गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद जी ने बताए, मन मंगल का पहला कदम है सद्गुरु चरण आश्रय। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, मंगल का पहला कदम है सद्गुरु पदाश्रय। आदौ गुरु पदाश्रयो तस्माद् आदौ गुरु पदाश्रयो तस्माद् कृष्ण दीक्षादि शिक्षानम्। मंगल का पहला कदम है सद्गुरु पदाश्रय। प्रभुपाद कह रहे हैं हर आदमी अपना अपना नसीब का अनुसार, हर आदमी अपना अपना नसीब का अनुसार, अधिकार का अनुसार गुरु प्राप्त करते हैं। जैसे ख्रिश्चान लोग और मुस्लिम लोग गुरु प्राप्त किए हैं, ख्रिश्चान लोगों ने यीशु ख्रिस्त को गुरु रूप में मिला है उनको, और मोहम्मद को गुरु रूप में मिला है, मोहम्मद को गुरु रूप में मुसलमान लोग पाया है। अपना तकदीर का अनुसार, अपना भाग्य के अनुसार कोई व्यक्ति विषयी गुरु मिलता है, कुलगुरु, विषयी कुलगुरु, और गुरु बोल के उसको विषयी गुरु कुलगुरु को ग्रहण करके और संसार में ही आशक्त होके परे रहना ये उचित समझता है। कुलगुरु विषयी कुलगुरु जो सब कुछ खाते हैं मछली मांस सब, ऐसा विषयी कुलगुरु को ग्रहण करके, कर्मी गुरु को ग्रहण करके संसार में आशक्त रहना ये उचित समझता है वो लोग। तरह तरह का विचार वाले आदमी हैं, एक किस्म का आदमी नहीं है। अगर हमारा तकदीर अच्छा है, वो बात कह रहे हैं, अगर हमारा तकदीर अच्छा है, अगर मैं निष्कपट हूँ, सत्य सरल सद्गुरु का अनुसंधान में लगे हुए हूँ, अगर मेरा तकदीर अच्छा है, मैं निष्कपट हूँ, सत्य सत्य सद्गुरु वास्तव रूप में मैं सद्गुरु का अनुसंधान कर रहा हूँ, सद्गुरु लाभ के लिए भगवान बलराम का चरण में बहुत सारे आरजी पेश की हैं, बहुत प्रार्थना किए, दाऊ जी महाराज मेरे को गुरु मिला दो, पक्का गुरु मिला दो, मेरा जिंदगी में भी यही है, मैंने विनती किया बलदाव जी चरण का बार बार, अंतिम में मेरा नित्य गुरु श्रील परमहंस आचार्य जो श्रील भक्ति प्रमोदपुरी के विषय में मिल गया, अंतर से प्रार्थना किया एकदम। अगर मेरा अर्जी मेरा प्रार्थना अगर ठीक है भगवत कृपा के द्वारा, इसी जन्म में अवश्य सद्गुरु का संधान मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया गुरु शून्य है, ऐसा नहीं कि दुनिया में एक भी गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मायावादी का विचार है। भगवान जगन्नाथ का खमता नहीं है कि जगत में दो चार गुरु रखे वास्तव सद्गुरु, जिसके सहारे हम लोग पार हो जाएंगे, ऐसा निकम्मा है जगन्नाथ, क्या ये मायावादी विचार है। हर वक्त जगत में गुरु रहेगा, रहा था, रहेगा, अभी भी है, रहेगा, लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल है। वास्तविक रूप में वास्तव गुरु
आपका पकड़ में नहीं आने वाला। ऐसा करके अपना बेस बना के रखेगा, ऐसा आचरण बना के रखेगा जो आप पहचान नहीं पाओगे। कठिन आचरण मतलब खराब नहीं है, कृष्ण भक्ति का ही आचरण, लेकिन आप समझोगे नहीं, आपको लगेगा टफ है, बहुत टफ। जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज का जाना बहुत मुश्किल है, हैं बहुत मुश्किल है, निष्कपट नहीं होने से जाओगे तो गाली खा के आ जाओगे। हाँ ये सब समझते हैं ना परमहंस गुरु वैष्णव। भगवान का कृपा के द्वारा इसी जन्म में सदगुरु मिल सकता है और गुरुचरण में वास्तविक आश्रय लिया, जैसे शास्त्र में बोला हुआ चैतन्य भागवत, आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे अकारण। सुना है ना, आश्रय लोहिया भजे, ऐसा भी एक जीवात्मा दिखाओ जो वास्तविक निष्कपट रूप से आश्रय लेके भजन किया है लेकिन भगवान का कृपा नहीं मिला, ऐसा एक दिखाओ, हो ही नहीं सकता। वास्तव बात ये है कि हम लोग निष्कपट नहीं हो पाते। आश्रय लोहिया भजे तारी कृष्ण नहीं तजे, एक कमिटमेंट है। वृंदावन दास लिखा है आश्रय लेके, गुरुचरण का आश्रय लेके जो भजन करते हैं उसको हर हालत में कृष्णो ग्रहण करेगा ही करेगा, उसको त्याग नहीं कर सकता। आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकरण, बाकी दुनिया जो है जहन्नम में जाए, चूल्हे में जाए, मैं क्या करूं? आर सब मरे अकारण, अकारण नहीं बेकार मरता है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, कीड़े मकोड़े होके जन्म मार, क्या करूं? वो तो कपट है, सुनेगा नहीं। पौपाद अक्सर ये श्लोक को दोहराते थे बार बार, अक्सर ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव अहो भाग्य से कोई ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोई सदगुरु प्रसाद के द्वारा भक्ति लता बीज, बीज मतलब गुरु वैष्णव के देखे मेरा अंदर भी सेवा का एक वासना पैदा हो जाता, ये बीज है, अंकुरित कम हो जाता, बीज है। अब बीज आगे चलकर शोभन कीर्तन जल पानी देते लगे और उसका अंकुरोद्गम होते लगे, और कृपार का मत कृपार, लता का मतलब कोई सहारा चाहिए, गुरु वैष्णव का सहारा लेके धीरे धीरे ऊपर जाते। सो ब्रह्मांड तरित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हर कोई के ऊपर प्रसाद थोड़ी होता है, क्यों नहीं होता है? इसको नेगेटिव पॉइंट देख के गुरु वैष्णव जी ये विमुख है, बिल्कुल चाहता नहीं कुछ, विरुद्ध है, विमुख है, क्या करे? थोड़ा सा भी अनुकूल देखे, अनुकूल देखे, बस प्रसाद हो जाता, कृपा हो जाता। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, माली होइया से जीव करे से चौन, माली हुई से भी करे, माली होइया से बीज करे रोपण, शोभन कीर्तन जले करे से चन, उपाजिया बारे लता ब्रह्मांड भेदी जाए तदुपरी वैकुंठ, तदुपरी गोलक वृंदावन कृष्णचरण कल्पवित्थे करे आरण, ऐसा लिखा हुआ है। तो कृष्ण अगर किसी को कृपा करते हैं तो गुरु रूप में ही करता है। कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भाग्यवाने, गुरु और अंतर्यामी रूप में भी रोकता है, ये खराब है, अच्छा है, आज ये बुरा है, सिखाते हैं, उचित नहीं है। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूप में सिखाए अपने, गुरु कृष्ण रूप हम शास्त्र प्रमाणे, गुरु कृष्ण का रूप है शास्त्रों का प्रमाण के द्वारा, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगण। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए अमी ताहार प्रकाश, मैं जानता हूँ मैं चैतन्य का दास है मेरा गुरु, तथापि ये चैतन्य महाप्रभु का तथापि जानिए ताहार, चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश विग्रह है, शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप है शिक्षा गुरु, अंतर्यामी और भक्त श्रेष्ठ
अंतर्यामी रूप में है और भक्त श्रेष्ठ ये दो ही रूप। जीवे साक्षात नहीं चैत्य गुरु रूपे, डायरेक्टली इधर दिखाई नहीं पड़ता भगवान को, जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु हम कृष्ण महंत स्वरूपे। ये सब बात प्रभुपाद जी ने अपना विचार के द्वारा प्रस्तुत किए। हे कृष्णचंद्र कृपा पूर्वक हमको आपका सेवक बोल के ग्रहण कर लेना, हम गृह का मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा अभिमान मेरा छूट जाए। अनंत काल इस जड़ संसार का सेवा करते करते मैं थक गया हूँ और मेरा रुचि नहीं है संसार करने का, आर्ज संसार मोर नहीं लगे भालो, कोथा जाएगी कृष्ण हेरी ए चिंता विशालो। भजन रहस्य भक्तियों चकित आर्ज संसार मोर नहीं लगे भालो, संसार और अच्छा नहीं लगता, देख लिया बहुत देख लिया महाराज, आर्ज संसार मोर नहीं लगे भालो, कहाँ जाए कृष्ण हेरी ए चिंता विशालो, कहाँ जाए कृष्ण मिले ऐसा विचार है। ऐसा विचार अगर दिल में पैदा हो जाए अंतर से, बस बलदाव जी महाराज का तो कृपा है ही है, बलदाव जी महाराज नित्यानंदों का एक कमिटमेंट है। ये संसार का जितना सारे बद्ध जीव है, यकीन मानना ये संसार का जितना सारे बद्ध जीव है, बलदाव जी नित्यानंद प्रभु ठेका लेके बैठा है, पार करेगा। लेकिन ये हमारा कमी है। अतो व संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे, याद है ना ये कीर्तन, अतो व संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइंग विथ मी। बलदाव जी महाराज नित्यानंद कह रहे हैं अरे मेरा जुमा है, मेरा जुमा है, आ जा। आमारे की नियाल हो भजो गौर हरी, एत बोली नित्यानंद भूमे गोरी जाए, सोनार पर्वत जानो धूला तेल उठाए। शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ऐसे कीर्तन करते थे, बड़ा सुंदर, वाह। तब एक रिएक्शन होता था, अब कुछ नहीं रखा, अरे बाप रे, महाराज के पीछे रहते कितना आनंद होता, अरे झूम पड़ता आनंद से, कहाँ गया वो सब दिन, हाय हाय सब चला गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है, कैसे जिए। ऐसे लिखा हुआ है, किशेर संसार ए छायाबाजी पाए, यहाते ममता कोरी बिथा दिन जाए। भक्ति मंडल बहुत सारे कीर्तन लिखा है, और नित्यानंद प्रभु तो कमिटमेंट किया है, प्रतिज्ञा करके रखे, अरे मेरा ठेका है, आ जा, मेरा ठेका है, मैं ठेके लेके बैठा हुआ हूँ, आए कौन पार होना चाहता है, आ जा। अतो व संसारम बुधि तरण दाय मई लगेत दैट टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइंग विथ मी, आई कैन हेल्प यू टू क्रॉस द मेटेरियल ओशन। चिंता काहे का है, जब ठाकुर जी हैं गुरु वैष्णव है, बस चीटिंग बाजी नहीं करना है भाई, इतना ही है, कपट भाव को छोड़ो और कुछ नहीं, बाकी अपने आप आ जाएगा, इतना ही कर नहीं सकता आदमी। भगवान बोलते मैं जानता हूँ तेरा कितना तक पावर है, इसीलिए तो बैठा हूँ, गुरु रूप में आया हूँ, बस इतना ही है, कपट भाव को छोड़ और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तू, कपट भाव को छोड़ बस, इतना ही काफ़ी, बाकी मैं हूँ, लेकिन इतना ही कर नहीं सकता भद्रजीव, इतना ही कर नहीं सकता, कहाँ करे कपट भाव, पॉलिटिक्स करे, इसको इसको पॉलिटिक्स में इस प्रेरणा दे इसको, ऐसा ऐसा करे और क्या करे। चर्चा होते हुए अवधूत जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संवाद यहाँ तक आया था, जे अवधूत जी महाराज जी अपना शरीर को भी गुरु माना, कि ये शरीर दो दिन का है, अनित्य है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवन्ते मनुष्यमर्थदम अनित्यमपि यधीर तूर्णं जतेत न पतेद अनुमत्तु यावत् निश्चयसायो विषयः खलु सर्वतः सात्।
ये अनंत काल घूमते घूमते भटक, अनंत काल भटकते हुए लब्धा सुदुर लभमिदम बहु संभवान, बहुत दिन बाद अहो भाग्य से यह लब्धा सुदुर्लभ ये मनुष्य जन्म मिला है, सुदुर्लभ ये मनुष्य जन्म मिला है, बहु संभव बहु अपेक्षा का बात। यद्यपि ये मनुष्य देहो अनित्य है मैं जानता हूं, कभी भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य मर्थोदम अनित्य दी हो, मनुष्य मर्थोदम मनित्वम अपी हो धीरहा, मैं जानता हूं ये शरीर 2 दिन का है, कब चले जाए ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी ये मनुष्य शरीर अर्थोदो वास्तव अर्थ दे सकता है, मीनिंगफुल, दो वी नो ह्यूमन लाइफ इज अनस्टेबल स्टिल मीनिंगफुल कैन बी कैन गिव ए रियल मीनिंग, व्हाट इज दैट भजन, मनुष्य मर्थदम अनित्यम अपी हो धीर, यद्यपि अनित्य है फिर भी ये शरीर के द्वारा साधन करके भगवत प्रेम भगवान मिल सकता है। जो धीर व्यक्ति है, जो चंचल है उसका बात छोड़ो, वो तो आग में छलांग लगाने वाला है, पतंग का बात चर्चा किया, पतंग आग में छलांग लगाते हैं, आंगों का जो रूप है ये इसको इतना अच्छा लगता है कि जानते हुए भी मैं मर जाएंगे फिर भी छलांग लगाते। तो ये जो है धीर व्यक्ति तूर्णम जते तो मन यत्न करे वेरी क्विकली इंस्टेंट कैन टेक केयर, क्या टेक केयर, किसका बारे में जतन करे, हरि भजन, तूर्णम जते तो न पते, जब तक ये शरीर गिर ना जाए, जब तक ये शरीर गिर ना जाए तुरंत करो जल्दी, जब तक ये शरीर पतन हो ना जाए गिर ना जाए कौन जाने कब चले जाए। तूर्णम जते तो न पते दोनों में तुझावत, मौत का घड़ी तक चरम मंगल के लिए व्यस्त हो जाओ निश्रेयसार, क्योंकि ये जो शरीर है अनित्य शरीर, किसी भी शरीर में कुत्ता बिल्ली का शरीर में भी भोग मिलता है, कुत्ता भी एंजॉय करता है कुत्ती का साथ, कुत्ता भी एंजॉय करता है, कुत्ता में क्या क्या कमी है, हैं एक सुअर है, सुअर जानते हो ना, ये भी एंजॉय करता है, टट्टी पे सब खाए आराम से, आहा आज का दिन मेरा कितना आनंद, कितना सुंदर सुंदर टट्टी चट्टी मिला, तो एंजॉयमेंट तो जरूर है। इसीलिए तो प्रहलाद महाराज जी ने समझाया असुर बालकों को, हे बालकों सुनो, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहो योगे न देही नाम सर्वत्र लभते यस्मात यथा दुःखम अजत्न था। देखो दोस्तों असुर बालकों सुनो, ये शरीर जो प्राप्त हुआ है ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये एंजॉयमेंट आनंद ले ले ऐसा नहीं है, ये किसी भी जन्म में चाहे कुत्ता बिल्ली गीदर ऊंट ऊंट खाते रहते हैं, कैक्टस आई 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 घर घर, अरे क्या खाए, हे ये कांटे का पेड़ है वो खाए आराम से खाए, उसका वही अच्छा लगता है, क्या करे, जो टट्टी पेशाब का बार बार विषय का एंजॉयमेंट किया तो इतना भी बड़ा पद में गया तो वो भी उसका यही उसका स्वभाव है, वही खाएगा टट्टी पेशाब, क्या करे, विषय से लगन है, चाहे वो जोर जबरदस्ती उठा है ऊपर तो उठने से क्या, एक कौवा का दृष्टि तो नीचे में है, वल्चर इज अ पेशेंट क्रिएचर, ऊपर सकनी सकनी मामा बहुत ऊपर उठे, इतना ऊंचा इतना ऊंचा उठ का इतना ऊंचा उड़ते हैं कि बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं सकनी मामा, लेकिन उसका नज़र कहाँ है, एक कहाँ मुर्दा पड़ा हुआ है, भागाड़ बांग्ला में कहता है भागाड़, जहाँ मुर्दा पड़ा हुआ है मुर्दा का लाश का ढेर, वहाँ उसका नज़र है
चाहे वो प्रमाण करने जाए मेरा ऊंचा सगाई है, है क्या है तुम्हारा, तुम्हारा टट्टी पिसा में नजर है, है मुर्दा, यही तो नजर है और क्या। विचार ये बनता है कि ये शरीर हर हालत में काम का लायक है। खटंग राजा कितना समय, दो मुहूर्त ये अपना यूटिलाइज किया। परीक्षित महाराज जी यूटिलाइज किया, 7 दिन यूटिलाइज किया, तो हम क्यों नहीं कर सके। जब मान गया कि 2 दिन का जिंदगी है, इसमें क्या रखा है, हम आनंद के लिए दौड़ रहा है कपट भाव लेके। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यमर्थतम अनित्यम अपि हो धीरो। जब भी अनस्टेबल है फिर भी यूजफुल है, कामयाब कर हम इस ये जो शरीर है काम का है, कुछ हो सकता। आप मरने तूर्णम यदि अभी यत्न करो, अभी इसका विषय में चिंता करो, अभी केयर ले लो, जब तक मृत्यु ना आए। सुखम इंद्रिय का संग सुख प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, सुखम इंद्रिय कम दैत्या देहो योगिन देही नाम। हे दैत्या हे बालकों, सुखम इंद्रिय कम दैत्या देहो जो, जब शरीर कोई भी सोली मिले, कोई भी किसी किसी भी शरीर मिले, एंजॉयमेंट तो है ही है, तरह तरह का एंजॉयमेंट है। सुखम इंद्रिय कम दैत्या देहो जोगे न देही ना। देहो जोगे न क्यों बोला है, क्योंकि आत्मा देहो का साथ युक्त होता है, आत्मा का कोई शरीर नहीं है। देहो जोगे न देही ना इसलिए बोला है प्रहलाद महाराज। वास्तविक रूप में, ये जो आत्मा का कोई ये जड़ शरीर जो मिला है ये नहीं है कुछ, ये बेकार है, ये ऐसे ही मिला है, ये ऐसे ही मिल गया कर्मफल के अनुसार, ये रहेगा नहीं। इसलिए देहो जोगे न देही नाम, कर्मफल के अनुसार मेरा ये शरीर मिला और ये शरीर को लेके ही चलना है, और साधन भजन अगर कर सके तो पार बेरा पार हो जाए। सुखम इंद्रियो कम दैत्या देहो जोगे न देही नाम सर्वत्र लभते। ये एंजॉयमेंट जो है मेटेरियल एंजॉयमेंट, ये जो मेटेरियल एंजॉयमेंट है हर जगह मिलता है, कहाँ मिलता नहीं। कोई भी शरीर पकड़ो, कीड़े मकोड़े कछुआ हैं, खटमल, खटमल खून खाते हैं, आहा कितना सुंदर खून मिला है, साधु का खून। हम लोग आदमी बनकर साधु का खून पीता हूँ, खटमल खटमल से भी बढ़कर खून पीता। साधु गुरु वैष्णव का भजन के द्वारा ये सब मठ मंदिर हुआ है, तो खटमल का तो ज़्यादा खटमल ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हम उससे भी खतरनाक। ये गुरु वैष्णव अपना खून पसीना से भजन बल से बनाया मठ मंदिर, हम एक भोग का सामान, एंजॉयमेंट का एक जगह मिल गया, बड़ा आनंद से रहो। हमारे घर में रहता तो मिलता नहीं, घर में रहता तो क्या करता, कुछ नहीं मिलता इतना। अब साधु बोल के सब दे रहा है, हो गया माला माल हो गया ऐसा ही। तो सुखम इंद्रियो कम दैत्या देहो जोगी न देही नाम सर्वत्र, कुत्ता बिल्ली का जोनी में भी एंजॉयमेंट मिलता है। इसका लिए दौड़ना बुद्धिमानी का काम, बुद्धिमानी नहीं होगी। सुखम इंद्रियो कम दैत्या देहो जोगी न देही नाम सर्वत्र लभति यस्मात् दथा जथा दुःखम अजत्नता। कोई दुख मांगता नहीं, एक कुंती देवी छोड़कर दुनिया में कोई नहीं देखा। विपद हो संतु सत्व तत्व जगत गुरु है कुंती देवी माँ, ठाकुर जी मेरे को मुसीबत भेज दो। है मुसीबत क्या, बोले हाँ हमको हजारों किस्म का मुसीबत भेज दो, क्या होगा मुसीबत से, मुसीबत होने से आपका याद रहेगा। कृष्ण बोले आप तो कोई समस्या नहीं है, सारे हाथ में दे दिया, सब तो हो गया, सब लेके एक बार आनंद से, अब आनंद से राज्य को चलाओ। अरे कुंती देवी ने नहीं महाराज, कृष्ण अभी समस्या का शुरुआत है, काहे कि
ले समस्या का शुरुआत आज होगी, समस्या का शुरुआत आज होगी। क्यों? इतना सारा अनुकूल परिवेश है, सारे राज्य राजधानी, कोई रोकने वाला नहीं है, आनंद लो, बस हो गया मैं राजा है। यही तो मुसीबत का घड़ी है, यही तो मुसीबत का घड़ी, ये तो मुसीबत आन पड़ेंगे, अब आपको भूल जाएंगे, आपका भूलना ही तो मुसीबत है और क्या। ऐसा करके प्रहलाद महाराज जी ने समझाया, दुख जैसे बिना बुलाए आ जाते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन नॉर्मल एफर्ट इज गुड, स्वाभाविक रूप में प्रयास प्रचेष्टा करना उचित है, स्वाभाविक रूप में कर्म का प्रचेष्टा करना उचित है जब तक भक्ति मार्ग में प्रविष्ट न हो, ये जरूरी है। कर्म बंधो ज्ञान बंधो आवेश मानव अंधो, कर्म छराई थे क्यों नारे, नरोत्तम ठाकुर लिखा है, कर्म छराई थे क्यों, कोई कर्म का बंधन छोड़ा नहीं सकेगा, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अब एक सदगुरु का चरण में आश्रय ले लो, प्रभुपाद जैसा भक्ति में ठाकुर, बस लेके हरि भजन करो, कर्म कहाँ जाए, नहीं तो कर्म से छुटकारा नहीं है। अब विचार करते करते यहाँ आया है ये महाराज अवधूत सन्यासी, बड़ा अद्भुत 24 गुरु बनाए, ये 24 गुरु, ये विचार बनाना जरूरी है, ये परमहंस का विचार है, ध्यान देना, ये 24 गुरु बनाए हैं, हम लोग 100 गुरु बना सकता है अगर बुद्धि खराब ना है। आपको गुरु बना लिया, हमने सीख लिया, अब कैसा कैसे 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 अपना सत्यानाश कर रहे हो, गुरु आप मेरा गुरु हो गया, गुरु हो गया ना, बिल्ली मेरा गुरु है, बिल्ली मेरे को सिखा रहा है हाउ टू डू एवरीथिंग वेरी रिलैक्स्ड वे, हर चीज आराम से करो, हैं घबराहट मत रहे, सिखाया, देखो चूहा ने मेरे को सिखाया, कुछ बनाना नहीं आता लेकिन काटना आता है, चूहा को पूछो तू किताब छपा सकता है, वो नहीं सकता है, वो काट सकता है, किट 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 पूरा काट के, कोई अनाज उगा सकता है, बनना दाल चाल जितना सारे है हमारा भंडारा में, काट कूट कर एकदम टट्टी पेशाब दे के बस खत्म करते, इससे सीखा है दुष्ट मानव कैसे सत्यानाश करता है। कोई संत महात्मा अगर कुछ करना चाहे पूरा मानव जाति के लिए और रोको करने में ही दो, इसको हरी कथा मन ने बोलने मत दो, उसको छांट दो हमारा समाज से, हाँ तुम्हारा समाज में कौन है, हैं गीदर का समाज में गायन होता है ऊंट, गीदर का समाज है उसमें गायन कौन होता है, ऊंट होता है, ऐसे समाज में अगर भक्तिमय ठाकुर बहुत ना है तो समाज में टट्टी पेशाब करना चाहिए, क्या होगा उस समाज देखे सोसाइटी, अरे सोसाइटी क्या करोगे, सोसाइटी बेकार की बात है। 24 गुरु बनाए, ये जो है इसके द्वारा अवधूत सन्यासी का जो आचरण है ये संतुष्ट रहते हैं, ऐसे तो संतुष्टि हर आदमी का होने वाला नहीं है, और संतुष्टि अगर नहीं है हरी कथा भी नहीं हो सकता, जरूर संतुष्टि है, अंतर आत्मा में आनंद है संतुष्टि है तभी हरी कथा कीर्तन हो सकता है, अंतर में संतोष नहीं है हरी कथा कैसे हो सकता। जब मिल जाए संतोष धन सब धन धूल समान, संतोष धन अगर मिल जाए, जैसे बामन जी महाराज कह रहे हैं, बामन देव जो हमारा बामन भगवान, वो बोले महाराज हम संतोषी बाबा हैं, तीन पाद भूमि दे दो, अरे क्या करोगे तीन पाद, क्या है कि बैठोगे कहाँ, ओहो उतना नहीं जानते, आप देगो कि नहीं बोलो, तीन पाद भूमि चाहिए, अरे बोटुक बामन यू आर तुम अपना इंटरेस्ट स्वार्थ के बारे में जागृत नहीं हो, अरे तीन पाद क्या करोगे, हैं
एक कॉन्टिनेंट ले लो, महादेश देश ले लो, कोई वर्ष ले लो, गांव ले लो, हाथी घोड़ा पालकी ले लो, कुछ भी ले लो, अरे नहीं हमको तीन पांच चाहिए। अरे ऐसा देखा नहीं कभी। ब्राह्मण अब अपना संतो अपना अपना जो स्वार्थ है इसका बारे में बिल्कुल अब नादान हो, उतना नहीं जानते तीन पा भूमि चाहिए दोगे कि नहीं दोगे। अच्छा देंगे देंगे, चल ठीक है, मैं संतोषी बाबा हूँ, तीन पा भूमि से संतुष्ट रहता हूँ, दो रोटी मिल जाए फिर भी अच्छा, दो रोटी नहीं मिला फिर भी अच्छा। अरे हरि कथा कीर्तन तो है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चलो बाकी सब हो जाएगा माधुगुरी करके, क्या हुआ। किसी के ऊपर भरोसा रखना उचित नहीं, पूरा दुनिया बेईमान है, गद्दार है, जिसका ऊपर भरोसा किया मैंने सब गद्दारी किया, जिसका ऊपर। अब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा देख रहा है, अच्छा खासा आदमी आ रहा है ठाकुर जी हेल्प कराने के लिए, बाकी सब जिंदगी भर जिसको भरोसा किया पूरा गद्दारी किया, बेईमानी किया, सारे लूट लिया। अच्छा है, क्या लूटोगे, ले जा क्या लगे, ले जा सब ले जा, लेके जा जियो, कितना दिन जिएगा। तो ये जो 24 गुरु का प्रसंग है ये ऐसा है कि हमारा गुरुचरण जो आश्रय है इसका साथ कन्फ्यूशन मत करो। ये अवधूत महाराज जी का एक अद्भुत इंट्यूशन है, अलग सा भाव है। ये 24 गुरु बनाया, 24 गुरु से अपना जीवन में सारे शिक्षा लिया है, और कैसे बच के रहना, बच के रहना कैसे रहना है विषय से ये सीखा है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुचरण आश्रय जरूरी नहीं, नहीं ठीक है, हम काल से क्या करेंगे, हम भी कौवा को गुरु बनाएंगे, हाथी को गुरु बनाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो परमहंस है, इसका विचार है, परमहंस व्यक्ति ऐसा है, ऐसा समझो कि गौर किशोर बाबा जी महाराज ने दीक्षा लिया किसी से, लेकिन ये तो परमहंस है। हर वस्तु और व्यक्ति से परमहंस व्यक्ति सीखते हैं, ये एक अलग सा विषय है। ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनपेक्षक स्वलिंगानम आश्रमम त्यक्ता चरेद अविधि गोचरा, दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तुम बोलोगे महाराज आप आरती में नहीं आ रहे हो, अरे उसका जिंदगी में आरती चल रहा है, तू आरती में जा, वो हर वक्त आरती उसका चल रहा है दिल में, क्या समझा है, है? आरती में चलो महाराज, लाइन में बैठो प्रसाद पाने, हाँ बहुत बढ़िया सीखा है, अंतिम में क्या बना गीदर, ये सब सीखा चुकलीबाजी। तो ये जो 24 गुरु जो है, पृथ्वी वायु 24 गुरु, पृथ्वी वायु पानी अग्नि चंद्र सूर्य सागर पतंग हिरण भ्रमण मकड़ी और अपना शरीर, इसके द्वारा अवधूत महाराज परम ज्ञान को प्राप्त किए। कभी कभी संतो महात्मा में ऐसा भी देखा है, जैसे भारती महाराज जी, एकाद उदाहरण दे दे, बामन महाराज जी, ओह इतना परसेप्शन पावर है, एक छोटा मोटा चीज देखा इसमें से बना दिया, आओ कितना सुंदर शिक्षा। हर आदमी का ऐसा नहीं होता, होते नहीं। कोई अगर सचे ये अनुमिति, ये जो सुनो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, इसमें कन्फ्यूजन में नहीं गिरना। उपनिषद जैसे हम उदाहरण दें, जैसे उपनिषद है, उपनिषद का जितना सारे शिक्षा है सब इनडायरेक्टली यू विल हैव टू रियलाइज भगवान। उपनिषद में एक एक करके कहानी बता कि क्या बोलना चाह, शिक्षा उपनिषद का ऐसा गहरा है आम आदमी समझ नहीं पाएगा क्या है। उपनिषद के द्वारा अनुमिति
ये एजम्पशन बोलो अंग्रेजी में ये ठीक नहीं, परसेप्शन बोलो तो थोड़ा बहुत निकट आता है, अनुभव करना, उपनिषद पाठ करके थोड़ा ईश्वर का अनुमति परसेप्शन अनुभव का दरवाजा खुला। लेकिन ईश्वर सिर्फ परसेप्शन अनुमति अनुभव का एक, ईश्वर जो है सिर्फ अनुमान का विषय नहीं है, अनुभव का विषय भी है। ईश्वर का साथ मैंने शास्त्र पढ़ा, वैष्णव सेवा किया, दावा किया, जितना किया, लेकिन हमारा कुछ डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं हुई। ईश्वर सिर्फ अनुमान का विषय है, अरे ईश्वर जरूर है ऐसा लिखा हुआ शास्त्र, अरे लिखा हुआ छोड़ो, तुम्हारा कोई डायरेक्ट रियलाइजेशन है क्या? हैव यू एन डायरेक्ट रिलेशन? हमारा पास थोड़ी समय है आपका लेक्चर सुनने बैठूं? वी आर लेस इंटरेस्टेड टू हियर योर लेक्चर। इफ यू एट ऑल हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन दैट वी आर इंटरेस्टेड, यू कैन स्पीक आउट, व्हाट इज योर डायरेक्ट रिलेशन, तुम्हारा क्या डायरेक्ट रिलेशन वो बताओ, हम क्या करें लेक्चर सुनने, लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है। ईश्वर सिर्फ अनुमान एजम्पशन का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय भी है। अनुभव जितना गाढ़ा, अनुभव जितना गाढ़ा होते चले उतना ही मेरा भजन में तरक्की होते रहेगा। ये अनुभूति, ये जो अनुभूति है, अनुभूति दीक्षा गुरु का कृपा का बिना होना संभव नहीं। अनुभूति जो है, शिक्षा गुरु से बहुत सारे शिक्षा लिया लेकिन मैं दीक्षा नहीं लिया, तो वो जो दीक्षा गुरु का कृपा नहीं हुई, तो जब तक दीक्षा गुरु का कृपा नहीं हुई, शास्त्रों का वचन जो है, माई मेमोरी इज गुड, हमारा मेमोरी तगड़ा है, हम पकड़ सकता है, इंट्यूशन अच्छा है, छोटा मोटा जी समझ सके, और ठीक है सब मान लिया, बट यू कैन नॉट डाइजेस्ट, शास्त्रों का ज्ञान पचेगा नहीं, डाइजेस्ट करोगे, डाइजेशन का बाद एसिमिलेशन ये भी हो नहीं पाएगा। खाना खा लिया बहुत सारे, अरे बहुत सारा खाना खाने के बाद पहले तो सोचो ये पचा पाओगे, हजम होगा, हजम होगी क्या? हजम के बाद एसिमिलेशन, खाना का जो सार वस्तु है ये सारे ब्लड में धीरे धीरे घूमते रहेंगे, हमको एनर्जी बनाते रहेंगे देंगे, तो खाने से होगा नहीं, हमने खा लिया तो मेरा हजम हुआ कि नहीं, अनुभव में उतारा कि नहीं। जब तक दीक्षा गुरु महापुरुष गुरुदेव का कृपा ना हो जाए, तब तक ये शास्त्रों का प्रवचन, शास्त्रों का विचार हृदय में इन अप्लाइड फॉर्म, वास्तविक प्रयोग रूप में, वास्तविक रूप में प्रयोग करना नामुमकिन है, संभव नहीं है। दीक्षा गुरु का कृपा लेकर धीरे धीरे मंत्रों का मनन करे, मंत्रों का मनन करते करते विषय मनन छूट जाए, मंत्रों का मनन करते करते, मनन क्यों बोला, मंत्रों का साथ मंत्र विग्रह है, ये मंत्र दिया गया, ये मंत्र विग्रह है, ये मंत्र विग्रह का मनन करते करते विचार, उसका अर्थ, मंत्रों का अर्थ और स्वरूप मनन करते करते विषय का मनन छूट जाएगी, अब विषय से छुटकारा हो, गुरु की कृपा और बढ़े और अंतिम में जाकर भगवान को गोदी में गुरुजी दे सकता है। कृष्णों से तुमार कृष्णों दीते पारो तुमार शोकतिया जी, ये तो हमने ड्रामा किया गुरुजी के सामने, कृष्णों से तुमार कृष्णों दीते पारो तुमार शोकतिया छे, ये तो ड्रामाबाजी किया, वास्तव अनुभव है ये गुरु है वही, जो गुरु जो मंत्र हो गुरु, जो गुरु सो हरि, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुरेव गुरुमेव प्रसादय, ऐसा विचार आया कभी नहीं आया, अरे ले लिया ठीक है, हम भी शिष्य है, आ तुम भी शिष्य हो, मैं भी शिष्य हूँ, हर आदमी शिष्य है, किसका शिष्य है, माया का, माया देवी का, हैं,
माया देवी क्या है, क्या किसका शिष्य है? ये विषय सुख अंतिम में दुख देने वाले, पल पल में इसका अनुभव हो जाए तो कामना शून्य होना संभव है। विषय सुख, मैं जानता हूं विषय में सुख है, जरूर है, नहीं तो आदमी दूर क्यों रहे। विषय सुख अंतिम में दुख की सागर में डालने वाले, ये अगर अनुभव आए, डायरेक्ट अनुभव मौर में डायरेक्ट रियलाइजेशन में उतारे, तो कामना शून्य होना कोई बड़ा बात नहीं है, तो कामना शून्य होना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन उसका पहले मैं तैगी बन गया हूं, मैं सब छोड़ के आया हूं। क्या छोड़ के आया है? एक टूटा हुआ टीन का कमरा था, और पिताजी क्या करते थे, और बड़ा बड़ा लेक्चर, छोड़ के आया। क्या छोड़ के आया? जो छोड़ के आया उसका लाखों गुना मिल गया। बाल हिसाब कर, हिसाब करके दिखा है झूठा कहीं का। शील भक्ति दे तो माधव गुस्सी महाराज कहते थे, मैंने छपवाया था लेटर, इसमें लिखा हुआ है, माधव महाराज लिखे हैं, देखो हम लोग भजन नहीं किए, कुछ नहीं किए, भजन करने का पहले भगवान इतना कुछ दे दिया, मैंने ये चिट्ठी को छपवा दिया आनंद के द्वारा। शील भक्ति वल्लभ तृतीय गुस्सी महाराज की जीवनी है, कोनो एक वास्तव तृतीय कोई एक वास्तव तत्व के संधान में इसी किताब में ये लेटर को छपवा दिया था मैं। उन्होंने किसी भक्तों को लिखा था, शिष्य को, देखो हमने भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप बिना कुछ नहीं किया अभी तक, अब भगवान सब कुछ दे दिया, देखो आप भजन करोगे तो क्या कुछ नहीं देंगे। माधव महाराज ऐसा कहते थे, अरे पैसा रखने का कोशिश मत कर, जो सेवा में लगा दे मरेगा, पोस्ट ऑफिस में राख, बैंक में राख, जब मसान में जाए तो पैसा लूट लेगा तेरा चचेरा भाई, भले मेरा चचेरा भाई तो ले जाओ, क्योंकि मठ का सब तो संबंध नहीं हुआ, ले जाएगा लूट लेगा, ऐसे ही करे। शिल भक्त तो माधव को सुना कहते थे, देख भजन नहीं किया, इतना कुछ भगवान दे दिया, देख कितना कुछ दे दिया, अगर सचमुच भजन करे तो क्या कुछ नहीं दे सकता। तो खमाखा इस सब पीछे खमा खराब मत कर। मेरा कहने का मतलब है, जब नस नस में ये अनुभव होना शुरू कर दे कि मेटेरियल एंजॉयमेंट जड़ सुख ये मेरे को अंतिम में दुख की सागर में डालने वाले, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं रखा है इसमें, अनित्य किशेर संसार ही छायाबाजी प्राय, यहां ते ममता कुरी बिथा दिन जाए, अननेसरली आई एम गोइंग टू लूज माई टाइम। कितना आशा लेकर मकान बारी बनाता है, मैंने देखा है, ये हमारा गदरूम में एक डॉक्टर है, ये अमेरिका से जाकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के डॉक्टर बन के आया है, और चिकित्सा किया, जितना पैसा इकट्ठा किया, सारे देखकर सरस्वती नदी का किनारे, सरस्वती नदी का किनारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आश्रम का निकट इतना सुंदर शानदार एक बिल्डिंग बनाया, छोटा बिल्डिंग लेकिन देखने में बांग्लो जैसा है, देखने में बहुत सुंदर, सॉल्ट लेक में जैसा बनता है। और जिस दिन ये घर में घुसना है, मतलब गृह प्रवेश है, उस दिन क्या हुआ, धूम धमाका चल रहा है, पहला दिन बड़ा व्यवस्था किया, लोग आएगा प्रसाद पाएगा, बस हो गया छुट्टी, हो गया छुट्टी, वो चल दिए, वो जीवात्मा चल दिए, ये जीवात्मा चल दिए, इतना कष्ट, मिस्त्री को बोला ए हुआ नहीं, तोड़ गलती बनाया, तोड़ के फिर से बनाया। अरे हम देखते रह गए, ज्यादा उम्र नहीं है, 60 का अंदर, 60 विद इन 60 चला गया। हमने चिंता करते रहे, इतना कसरत करके, देखो दिन रात ये कष्ट करके ये मकान बनाया, हाय राम,
और इसको एक रात भी रहा नहीं, चूहा बिल्ली ये बिल्डिंग में रहा, अब बोल रहा है मेरा बिल्डिंग है, तेरा क्या बिल्डिंग है रे, चूहा है बिल्डिंग में आया नदी का किनारे से, बिल्ली है, बोला हमारा बिल्डिंग है, रहो खूब रहो, कोई किसी का नहीं है महाराज, कोई किसी का नहीं है, सब सब पागलपंथी। सो सदगुरु का पास मंत्र दीक्षा लेने से विषय का जो भूत है उतर जाएगा जरूर। अगर नहीं आता है तो मैं चीटर हूं, अगर मैं नहीं चीटर हूं तो गुरुजी चीटर है, हो ही नहीं सकता। मैं अगर चीटर नहीं हूं, मैं सिंसियर हूं, मेरा गुरुजी भी सिंसियर है, नहीं तो बल्लभ जी महाराज का विचार झूठा साबित हो जाए। एक संत महात्मा चाहे सुंदरी लड़की देखे, चाहे सुंदर मकान बाड़ी देखे, चाहे रुपया पैसा देखे, कुछ भी देखे, ये पल पल में विचार करते रहते हैं महाराज ये दो दिन का है। जागतिक विषय हर जो कुछ भी देखे, जो चीज भी देखे, नश्वर पुनः पुनः ये नश्वर विचार बनाते हैं, कुछ नहीं है ये, तो कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, हाय हाय। ये साधन पथ में आगे चलकर उद्धव सुन लो, ये साधन के रास्ते में दो स्टेयरकेस, दो स्टेप है, साधन का रास्ते में दो स्टेप है, ये सोपान क्या है, जम और नियम, अहिंसा आदि, ये सब जम सर्वदा अवश्य पालनीय, किसी को ठेस नहीं पहुंचना, कष्ट नहीं देना, किसी का साथ चुगली नहीं करना, ये अहिंसा ये सब जम है। और नियम जो है शौचाचार नियम, जितना ताकत है उतना ही करो, अगर जोर जबरदस्ती करो तो पागल बन जाओगे, शौचाचार का कोई परफेक्ट जो विचार है ये आम आदमी के लेना, आम आदमी के लिए ग्रहण करना मुसीबत है। शौचाचार बहुत गंभीर है, शौचाचार में मैं कहना चाहूँ, शौचाचार में पहला नंबर में आएगा हर वक्त कंटिन्यूअस भगवत स्मृति, ये अगर नहीं रहा मैं 10 बार नहा लिया ये शौचाचार नहीं है, ये शौचाचार नहीं है। अगर भगवान का चिंतन, गुरु वैष्णव का चिंतन मेरे दिल में बने रहे, ये शौचाचार में सबसे पहला नंबर है। दूसरा नंबर है बच के रहना कंटामिनेशन, जैसे एक मिसाल दे दे, कोई पुजारी पुजारी कर रहा है आजकल तो, ऐ मंदिर में जा पूजा कर, उस सीखा नहीं कुछ, उस जानता नहीं, चट्टी पे सब साफा करना आता नहीं, शौचाचार उसको घुसा, इसलिए सारे मर रहे हैं। और कुछ बोलने जाओ महाराज आप करो तो फिर नहीं कर रहे हैं, ऐसा माफिक इतना गिर गया है क्या बताऊं, सीखेगा नहीं उल्टा बहस करेगा, यूं समझो कि सारे खत्म हो गया, खत्म होने जा रहा है, अभी भी कोई बचा खुचा है, ऐसा नहीं कि सब किए, इच्छा है तो अभी भी रिवाइव कर सकते हो, इच्छा नहीं है तो कैसे रिवाइव करोगे। शौचाचार का एक उदाहरण दे दे, जैसे एक पुजारी मैंने लगाया मंदिर में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका मालूम नहीं है, उसको कोई सिखाया नहीं, मंदिर से पूजा कर रहे हो, बाहर का आदमी का साथ तुम्हारा स्पर्श ना हो जाए, क्या मारे क्या हुआ महाराज, बाहर का आदमी क्या घृणित है, उसको स्पर्श नहीं करे, अरे छागल कहीं का, समझे नहीं, बाहर का आदमी आ रहा है, हो सके वो मसान से आ रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है, कौन जाने, बाजार से आ रहा है, उसका कपड़ा गंदा है, बाजार में बास ट्रेन में आया है, बोट में स्पर्श हो सकता, पर तुम अगर उसको करोगे ऐसा नियम नहीं मानोगे कैसे चलता, पूजा में नियम नहीं मिलेगा, वैशासन में नियम, सब शूद्र हो गया, सब शूद्र, कोई नियम नहीं, अरे क्या रखा है, अरे क्या रखा है, कुछ नहीं मानेगा, ना तो पूजा का आसन का शुद्धि, ना तो अपना अन्निक का शुद्धि,
और जिस बिस्तरा में सोया है बस बैठ के अन्य करना, तो अरे महाराज ठंडी है कंबल ओढ़ के करो बस हो गया। तेरा बिछना कितना सुंदर है मैं जानता हूं हैं। संत महात्मा जो परमहंस है वो जिस बिस्तारा में सोएगा उसी बिस्तारे में पूजन भी कर सकता, इतना पवित्र है। लेकिन हर कई का तो होता नहीं, वो सीखेगा नहीं, टट्टी पे सब करके धोया नहीं। गुरुजी को देखा, गुरुजी को देखा है प्राचीन व्यक्ति लोग। प्राचीन व्यक्ति एक बोला, आपका गुरुजी जवानी में जब जोगपीट का इंचार्ज थे तो जब भी पूजा और जोगपीट का इंचार्ज और पूजा पूरा इतना परफेक्शन। कभी अगर पेशाब लग गया तो उसको बोले लघु शंका, लघु शंका जाए तो अपना अपना पेट तक, अपना पेट तक पानी लगा के धोके फिर आके कोपिन परे, फिर गंगा पानी दे के पवित्र हो जाए, आचमन करे, सब नियम है। अरे अगर टट्टी लग गया, मैं भी करता था, मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे आदमी जानता है। वृंदावन में इतना कट्टो ठंडा है महाराज, ठंडा इतना नम गया 8 डिग्री 10 डिग्री, इसी में भी अगर पूजा में घुसना है उसका पहले थोड़ा अरे अगर थोड़ा शौचालय में जाए तो अच्छा है, तो जाके पूरा नहा के, पूरा ठंडी में पूरा नहा के फिर आके फिरा तिलक आदि करके आचमन करके फिर घुसो। ये सब सीखा है महापुरुषों से। तो ये जो हमने बताया ये जम अनियम का नियम जो है, ये नियम शौचाचार बोरा शौचाचार नियम पालन करना जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताएं कैसा गुरु लेना है रे उद्धव, कैसा गुरु का चरण आश्रय करना है। गुरुम शांतम उपासी, तो क्या बताया अवधूत महाराज जी ने, बताता है एवं गुरुभ्यो एतेभ्यो ऐसा में शिक्षिता मति। क्या बताया देखो, बोले एवं गुरुभ्यो एतेभ्यो ऐसा में शिक्षिता मति, शांतमो उपोशिक्षितम बुद्धिम श्रृणु मे वदतः प्रभु। कैसे अपना शरीर को गुरु माना, ये एजम्पशन नहीं है, एजम्पशन मुन्ने से तो गलत हो जाता है, थोड़ा बहुत अनुभव, परफेक्ट अनुभव नहीं, विचार, इसको बोला एनालिटिकल विचार। और ये जड़ जगत का आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, कितना चंचल है, सोचो तो रोना आ जाता है अपना बारे में, मैं कितना चंचल हूँ, हाय हाय कैसे भजन करें। प्रहलाद महाराज जी ने अफसोस करके बताया, जीव है कतो अच्युतम बिकर सती माँ वितिप्ता सृष्ण अन्न तरस्तक उदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राण अन्न तहश्चपल दृक्क च कर्म शक्तिर बहवो सपत्न ईवो गृहपतिम लुणंती। जीव है कतो अच्युत बिकर सती माँ वितिप्ता सृष्ण अन्न तरह तक शबरम कुतश्चित, आई बात समय में, आहा ये इंद्रियों जितना सारे हैं सारे लुटेरा है, सारे लुटेरा है, इसका सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आने वाला, ये कभी नहीं मानने वाला जो बहुत देख लिया और दरकार नहीं है। जीवा कभी नहीं बोलेगा और मीठा चटपटी बहुत खा लिया अब दरकार नहीं है, वो खाते ही रहे आलू के परोठे, आलू का दम, मसाला मुड़ी खाते रहो, ये कभी नहीं बोलेगा बस बस करो हुआ है, ऐसा नहीं बोलने वाला, वो चलते रहे इसका काम ही है, ये हैं इसका काम ही है चलते रहे, कभी नहीं रुकेगा, कैसे रुकेगा, क्योंकि सारा चंचल इंद्रिय जो है हमको मुसीबत का सागर में डालने वाले, कैसे रुके, रुकने का नाम ही नहीं है।
और जब आत्मज्ञान आत्मज्ञान जब तक नहीं हुई तब तक तो कोई रास्ता नहीं। आत्मज्ञान होने के साथ साथ ये सारे इंद्रियों जो हैं कुत्ता बिल्ली बन जाए, चुप चुप होकर बैठ एक जगह बैठ, वो बैठ जाएगा। सेंस ऑर्गन्स कैन कम अंडर योर कंट्रोल प्रोवाइडेड यू आर गेटिंग तत्वज्ञान। तत्वज्ञान मिलने का पहले दुनिया का ज्ञान लेकर कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगी हैं, कहां तक? लुटेरा है चारों, लुटेरा लूट लेगा, नंगा बना के फेंक देगा, मर्सीलेस, कोई करुणा नहीं है, लूट ले बस इतना ही जानते हैं, लूटो कोई मर्सी नहीं है, लूटो बस यही फॉर्मूला है, खाओ पियो जियो लूटो बस यही जानता है और कुछ नहीं जानता। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या करें, और शास्त्रों में ये भी कहावत है लिखा हुआ है भागवत में, तावत जितेंद्रियो नौशाद विजितान्य अन्येन्द्रिय पुमान, तमाम इंद्रियो ग्राम को आप जय कर लिया, यूं समझो कि तमाम इंद्रियो ग्राम आपका वशीभूत हो गया, फिर भी आप त्यागी नहीं बन सकते, आप जितेंद्रियो नहीं बन सकते जब तक आपका जो जिह्वा है ये कंट्रोलिंग में नहीं आई। जिह्वा जब कंट्रोलिंग में आए, अच्छा खाने का इच्छा नहीं है, कुछ नहीं, जो मिला प्रसाद मिल के खा लो। एक दफे महाराज जी का सेवक नमक नहीं डाला और भोग लगाया, बावन जी महाराज जी को खाने दिया, महाराज जी आराम से खा के उठा, बस उठे के बस बिस्तारा में बैठा हुआ है, और सेवक जो है आधा घंटा बाद सब पत्र लेके गया, प्रसाद प्रसाद पाया, प्रसाद पाने का बड़ा गुरु जी क्या हुआ, कुछ बोले नहीं आप, क्या बोले? अरे नमक नहीं डाला, आज भूल गया, बोला नहीं। अरे मैं तो नहीं नमक खाता हूं, मैं तो प्रसाद पाता हूं, तेने प्रसाद दिया मैंने खा लिया, ये नमक नहीं है, ये नमक नहीं है, मीठा नहीं है, ये तो प्रसाद सेवा नहीं, प्रसाद सेवा करीते हैं सकल प्रपंच जय, प्रसाद सेवा करीते हैं सकल प्रपंच जय, ये तो प्रसाद है। हाय राम आपने भूला ही नहीं, हमने नमक डालना भूल गया। ये संत महात्मा का जिंदगी से हमको शिक्षा लेना है। ये संत महात्मा लोग जो बड़ा बड़ा सौ आचार्य महात्मा महापुरुष, इन लोगों से हमको शिक्षा लेना है। आह कितना सुंदर विचार है, आय हाय मैं तो पढ़ा हुआ हूँ। देखो तो देखो प्रहलाद महाराज के विचार, और भागवत में बताया जीतम सर्वम जीते रसे, भागवत में कहा 11 स्कंद में है जीतम सर्वम जीते रसे, अगर दूसरा इंद्रियोग्राम जितना सारे इंद्रियोग्राम इंद्रियां अपना वशीभूत नहीं हो पाए, लेकिन जिह्वा को अपना जिह्वा अच्छा बुरा खाले का ललची ये जिह्वा को मैंने कंट्रोलिंग में लाया, बस हो गया छुट्टी। मतलब ये है जवान को अगर खींच लिया, बाकी इंद्रियों ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाए। ये जो इंद्रियां हैं ये मान नहीं रहा है, ये दौड़ रहा है, जिह्वा कंट्रोलिंग हो जाए, आहार शुद्धि हो जाए, प्रसाद सेवा करो, प्रसाद मैंने महाराज प्रसाद पाया, कहाँ पाया, कौन रसोई किया, किसने पैसा दिया, कौन बाजार लाया, किसने ऑफर किया ठाकुर जी को, मूर्ख कहीं का कोई विचार नहीं है, प्रसाद खाओ। अरे प्रसाद हुआ तब ना खाए, प्रसाद हुआ कौन रसोई किया बोल, जिसका सोने का कोई ठिकाना नहीं है, हैं वो प्रसाद बना दिया, ठाकुर जी क्या खा लेगा क्या, हैं किसने पैसा दिया, काला धन दिया कि काला धन दिया तो भगवान जी खाएगा नहीं, और पुजारी कौन सी है, हैं पुजारी कौन सी है बता, किसने भोग दिया तो ठाकुर जी खाएगा, महाप्रभु जी ने बता दिया नीलाचल लीला में, मैं
आमी लक्षपतिर हाथे खाई। महाप्रभु बांग्ला में बताया, जानो आमी लक्षपतिर हाथे खाई, मैंने जो लखपति है उसका हाथ में खाता हूं। अरे हमारा तो पैसा नहीं है, लखपति तो कुछ नहीं है हमारा। महाप्रभु बोले, अरे जानते हो मैं लखपति किसको बोलता हूं, जो कम से कम 1,00,000 नाम लेता है। 1,00,000 नाम नहीं लिया उसका हाथ का पानी शुद्ध नहीं है, चाहे पूजा करे, रोसी करे, कुछ भी करे, उल्टा बोल रहा है, पूरा विचार उल्टा। जो प्रभुपाद का विचार है उससे 180 डिग्री नहीं, 130 डिग्री एंगल घूम के आ गया जीरो पे। एंगल 180 डिग्री होने से भी थोड़ा होता है, 360 डिग्री घूम के पूरा जहां के तहां जीरो। कोई मानने के ना, अरे महाराज छोड़ो ऐसा थोड़ी होता है, सोसाइटी कैसे चलेगा। सोसाइटी चला जा, सोसाइटी चला, कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक हमारा जवान जिह्वा का लालची खत्म नहीं हुई, तब तक सारे इंद्रियोग्राम का कोई भरोसा नहीं है। कहीं भी कभी भी बेईमानी कर सकता है, कभी भी बेईमानी कर सकता है, वो उसका कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया, गुरु कैसा लेना है उद्धव जानते हो? बोले कैसा गुरु? जैसा गुरु लेना है, कैसा गुरु लेना है? मैं गुरुम शांतम उपासित, जो शांत गुरु है। मद अभिज्ञो मेरा बारे में जिसका जानकारी है। ले लिया दिखा महाराज, हो गया मेरा। अरे किससे लिया है, कैसे लिया है? शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, ध्यान नहीं दिया, पागल कहीं का, ध्यान नहीं दिया इस बात पर। लिखा हुआ है शास्त्र में, कई बार चर्चा किया, लिखा हुआ ना, शब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम तद विज्ञानार्थम। क्या पूरा श्लोक बता दूं? तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञानार्थम माने भगवत तत्व विज्ञान को जानने के लिए क्या करना चाहिए? भगवत तत्व विज्ञान, तद विज्ञानार्थम माने तद वस्तु सद वस्तु, सद वस्तु भगवान है। तो भगवत तत्व विज्ञान यही माने हैं। तद विज्ञानार्थम क्या करें? तद विज्ञानार्थम और तत्व ज्ञान जानकारी करने के लिए क्या करें? तद विज्ञानार्थम स्वगुरु में भावी अच्छेद, ऐसा गुरु के चरण में आश्रय ले ले, स्वगुरु में भावी अच्छेद। जो कैसे शमित पानी शौतियम, शमित पानी अपना मनमानी जो भाव है, अपना जो स्वतंत्रता है, सबको आग में जलाने के लिए ले जाओ, ये समिध है। बिल्कुल शरणागत हो जाओ, समिध मतलब अपना स्वतंत्रता को यज्ञ काष्ठों का रूप में आग में दे दिया कि मैं महाराज मेरा प्रतिज्ञा रहा कि आज से मैं अपना मनमानी बिल्कुल ना चलूं, छोड़ दे सारे, मान लो मैं झूठा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा करके प्रतिज्ञा करो। स्व क्या करे फिर? तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेभावी गच्छेत, अभिगच्छेत, गच्छेत नहीं अभिगच्छेत, गच्छेत विधिलिंगो, जाना ही होगा। स्वगुरु मेभावी गच्छेत, ऐसा गुरु के चरण में जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं, जाओ स्वगुरु, मस्ट गो। मेभावी गच्छेत, अभिगच्छेत मतलब भगवत प्राप्ति का अगर मेरा जिंदगी में इरादा है, ये इरादा पूरा करेगा गुरु जी। मेरा मकसद है, मेरा टारगेट है, मैं ये अनित्य शरीर, ये इतना कष्ट मिलता है जरा संसार में, मैं भजन करते हुए गुरु जी आप कृपा करो, आप जरूर भजन करेंगे, करेंगे भगवान के चरण में हमको पहुंचा दो, ऐसा विचार अभी का अच्छे
अभिगच्छत मतलब, अभिगच्छत मतलब अभिष्टो सिद्धि, अभिष्टो सिद्धि करने के लिए जाना, अभिष्टो वस्तु को प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ना। सगुरु मेभावी मेव मेव मैं एफर्मेटिव मास्ट मेव सगुरु मेभावी गच्छत एवं अभिगच्छत एवं अभिगच्छत। समीत पानी शौत्यम ब्रह्मनिष्ठम, किसका पास जाना है और कैसे जाना है? अपना स्वतंत्रता को यज्ञ काष्ठों का रूप मनाकर जाओ, गुरु जी के सामने प्रतिज्ञा लेके आग में डाल दो, बोलो मेरा स्वतंत्रता खत्म हो गई, बस हो गया, अब जो करना है आप करो। भजन कोई मामूली बात नहीं है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हो गया, अरे मेरे माला फेर लिया, अरे बहुत कर लिया, ठाकुर जी का बाप को उद्धार कर दिया। तो ऐसा है सगुरु मेभावी गच्छेत समीत पानी शौत्यम ब्रह्मनिष्ठम, जो शौत्यम है, जो शौत पंथा, जो बेकार बिल्कुल, जो बेकार है बिल्कुल, शौत पंथा में नहीं है, नहीं है, मैं कसम से बोल रहा हूं, शौत पंथा में नहीं है, उसका आचरण, उसका चाल, उसका चलना बोलना पूरा 100, मैं कसम से बोल रहा हूं, ये शौत पंथा में नहीं है। शौत पंथा में है बावन गोस्वामी महाराज, शौत पंथा में है भारती महाराज, ये लोग शौत पंथा में है। शौत पंथा में ना रहे तो उसका कोई कीमत नहीं है महाराज। शौत पंथा मतलब आचरण करके गुरु जी ने जो सीखा है, जो परंपरा के बहती हुई जो नॉलेज है उसी को बोलना, अपना मानमानी नहीं है। आचरण नहीं रहे तो कैसे होगा, कुछ नहीं हो सकता। शौत्यम इसका मतलब है जो शौत पंथा में अवस्थित है, जो शौत पंथा को ठुकराता है, जो शौत पंथा को अपमान करता है, कोई इज्जत नहीं देते हैं, उसका पास देने के लिए मना किया है, नहीं जाओ नहीं जाओ, मरोगे मरोगे तुम। शौत्यम जो शौत पंथा में आस्था रखने वाले ऐसा गुरु का पास जाओ, और जिसका डायरेक्ट रियलाइजेशन है भजन करते 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 भगवान को एकदम अनुभव कर लिया। ब्रह्मनिष्ठम परब्रह्म भगवान में डायरेक्ट अनुभव पैदा हुआ जिसका, वो जानता है भगवान क्या चीज है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान का सेवा डायरेक्टली करता है, तो समीत पानी शौत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ये बात का व्याख्या है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, भगवान कह रहे हैं उद्धव, जो गुरु को अपनाओगे, गुरु कैसा होगी, गुरु कैसा होगा, मेरे गुरु मदभिज्ञ मदात्मक, जब मेरे में खोए रहते हैं, जो गुरु मेरे में खोए रहते हैं, जो मद अभिज्ञ है मदात्मक है, मैं यहाँ छोड़ के कोई दूसरा चीज जानता ही नहीं, मदभिज्ञ मतलब मेरा तत्व विज्ञान में जिसका कोई कमी नहीं है, सब जानता है, मदात्मक एकमात्र मुझ में मेरा चरण में ही जिसका स्थिति है, वो इधर उधर चंचल भाव नहीं है, इसको बोला गया मदभिज्ञो मदभिज्ञो मदात्मक, मदात्मक मेरा चरण में जिसका लगन लग गया है। गुरु का सेवक शिष्य कह रहा, शिष्य कैसा होगा महाराज, बोले शिष्य अमानी होगा, अमत्सर किसी का साथ मत्सर भाव ना रखे, किसी का साथ मत्सर भाव नहीं रखे, दिल में सरल है, अभिमान नहीं है, माश्चर्य नहीं है, अमानी है, कोई इज्जत नहीं चाहता, चाहे गुरुजी एक थप्पड़ लगा, ठीक है गुरुजी दिया है, गुरुजी का थप्पड़ खाया तो अच्छा है, गुरुजी का शासन ये तो सबसे मेरा मंगल का रास्ता है। और जो एफिशिएंट है, कोई भी काम बोलो, अरे ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेगा,
तीर्थ महाराज जी बोलते थे एक किसी का सेवा जो बोलने से पा चला गया और जाके कुछ दिन बाद वापस आया, हुआ नहीं कुछ। महाराज जी व्याख्या करते थे विश्वास। और किसी को बोलो और बोले महाराज हमसे थोड़ी होगा ऐसे ही, तो मेरा काम का मेरा बस का काम नहीं हो गया गुरु सेवा है। और महाराज जी व्याख्या करते थे हंसते थे। मेरा याद है सारे महाराज जी व्याख्या करते थे हैं सब विश्वनाथ चकोदिया ये सब चीज। बोले कुछ सेवक को बोला, सेवक ठीक है गुरु जी सुन लिया करके फिर आगे चला। किसी को बोला ए गुरु जी ये बोला है ये काम पटा गया, उसको बोला वो बिना वो किया नहीं, वो जाके दूसरे को बोला ये काम कर दो गुरु जी ऐसा बोला है उसको कर दे तो थोड़ा जाके। कितना किस्म का गुरु किस्सा, कितना किस्म का शिष्य है। गुरु जी को बोलते थे भक्त लोग आपका आपका सेवक कहाँ गया, महाराज आपका सेवक कहाँ गया। गुरु जी बोल से एक टी बॉक से एक बगुला है, वो सेवक नहीं है। उसका सेवा मेरे को करना पड़ता है, है? वो सेवक है, है परेशान करता है हर वक्त, क्या करे। हाँ ऐसा मापिक बोला सेवक कैसा, सेवक अमानी हो अवसर हो अभिमान नहीं है, है? वो अभिमान नहीं होगी, मत्सरता नहीं है, दक्ष है, कोई भी काम बोलो महाराज हम करेंगे, क्योंकि उसको विश्वास है मैं जानता भी नहीं ये कैसे किया जाए, लेकिन गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा जो है और क्या, गुरु की कृपा जो है तो मैं करके करके रहेंगे। दक्ष अनलस ये आलसी नहीं है, राम राम भजन का आलसी, भोजन का होशियार, भोजन का होशियार। अरे बाप अभी रसमलाई मिलेगी वहाँ, वहाँ बांटेगा रसमलाई और परोठे, आहा कितना सुंदर है, रेडी हो जाओ हैं, रेडी हो जाओ। और जिसका अंदर में अपना भाई बंधु पिता माता दोस्त सगे संबंधी के लिए कोई कोई अट्रैक्शन नहीं है, निर्ममो दीरो सौहृदा, जिसका अंदर में कोई अपना सगे संबंधी पूर्व भाई है, ओ मेरा भाई है, अरे भाई है तू तैगी बन के आया है, कैसा भाई है, है? तेरा भाई बंधु गुरु जो कुछ भी है तो गुरु जी है, पिता माता नहीं, पिता मेरा माता जी है मेरा पिताजी है, अभी चल रहा है क्या करे, ये फैशन बन गया। निर्ममो दीरो सौहृद, गुरु के चरण में दीरो सौहार्द संपन्न, इतना लगन है गुरु चरण में, और अपना पुत्र बीवी बच्चा भाई बंधु किसी के लिए कोई जिसका जिंदगी में बिल्कुल भी स्थान नहीं है वो निर्ममो और दीड़ो सौहृदा। ऐसा मापिक जो सेवक है ये सेवक अमोघ बाघ, अमोघ बाघ ये संस्कृत वर्ड, अमोघ बाघ माने उसको बेफालतू बातें नहीं करते, देखना विचार करके जो पक्का पक्का गुरु सेवक देखे हैं जिंदगी में बाबू महाराज ये सब फालतू बातें नहीं करते थे, एक गप लगा दिया अरे मैंने वहां गया था देहरादून में ये देखा दत फालतू बातें छोड़, ये लोग फालतू बातें नहीं करते थे क्योंकि हर वक्त लगन है गुरु सेवा। अमोघ बाघ ये बात करे तो सेवा का बात करे, बात करे भगवान का बात करे, बात करे तो गुरु वैष्णव का बात करे, व्यर्थालाप क्यों करे है, व्यर्थालाप रहित। शिष्य हर वक्त आत्मदर्शन के लिए सचेष्ट रहे, बड़े बड़े आदमी को बोलते सुना है शिलोतीर्थ महाराज जी आत्म तत्व का मास्टर है, कई आदमी बोला है मेरे को, मैंने भी देखा आत्म तत्व का मास्टर है, दूसरों को बोले वो मजाक उड़ाए, वो समझता नहीं लेता नहीं महाराज जी का उपदेश है। आत्मदर्शन का जो चेष्टा है
चाहे गृहस्थी में रहो चाहे त्यागी रहो फर्क नहीं पड़ता, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे त्यागी बन के रहो, लेकिन आत्म तत्व आत्मदर्शन करो। शरीर को क्यों देख रहे हो, क्यों शरीर का पीछे पड़े हुए हो, आत्मदर्शन का चेष्टा करो। आत्मदर्शन जब तक ना होए तब तक सारे बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। स्थूल सूक्ष्म जगत का अतीत है आत्मा, ये जगत का चीज नहीं है आत्मा। आत्मा इतना सूक्ष्म वस्तु है जिसको महसूस करना अनुभव करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्या करे। और आत्मज्ञान अगर किसी का जिंदगी में मिल गया, महाराज लाखों आदमी त्यागी बन सकता, आचार्य बन सकता, ब्रह्मचारी बन सकता, लेकिन ऐसा शिष्य गुरुजी का ऐसा शिष्य रेयर है। इट इज द मोस्ट रेयर थिंग, इट इज द मोस्ट रेयर थिंग। आत्मतत्व ज्ञान मिलना कोई मामूली बात नहीं है। कैसा स्थिति पे पहुंचो जहां पैसा कमीनी कंचन कुछ नहीं रखा, सारे छिटकारा मिल गया। गुरुजी का ऐसा सेवा किया, ऐसा सेवा किया, ऐसा गुरुजी प्रसन्न हो गए। अजभी आगे जलकर आत्मज्ञान मिल सकता है। मैंने बेफालतू समय को खराब किए हैं, मजा मस्ती चुटकी में जिंदगी गुजार दिया, अब मेरे को आत्मज्ञान मिलेगा है? मजाक 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 समझते हो क्या, मजाक समझते हो? जन्म जन्म करोड़ों जन्म बाद अब ये मानुष्य जन्म मिला, वो भी गारंटी नहीं है आत्मज्ञान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सिंसियर नहीं, जरा सा भी गलती है तो मिल नहीं सकता। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जो है ये संसार बंधन जो है इसको काटने वाले, जीवों का जो संसार का बंधन है यही बंधन है, ये माया का बंधन है। आत्मज्ञान ये बंधन को काटने वाले हैं, आत्मज्ञान ये बंधन को काटने वाले हैं। एवं गुरु पशुनैक भक्ता विद्या कुठरेन सितेन धीर विवृश्य जीवा संयमयम अप्रमत्तो संवृश्य आत्मन मथु त्याज्यस्तम। एक कुठार, ज्ञान कुठार को चलाओ, काटो काटो अज्ञान को काटो, ये जड़ से काटो फेंक दो। अज्ञान आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, और ये शरीर में आत्मज्ञान जो भावना है यही मूल अविद्या। ये शरीर को ही मैं समझ के बैठा, ये शरीर को ही मैं समझ के बैठा, ये अविद्या का मूल है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ अविद्या। अरे आंख का मापिक, आंख का मापिक जो विद्या है अविद्या को जला के खाक कर देंगे। अग्नि तुल्लो विद्या, अग्नि तुल्लो अग्नि का मापिक अविद्या को जला के राख कर देंगे। और उद्धव सुनो, आचार्योर अरणिर आद्य साद अंतेवासी उत्तरारणी तत्संध्यानम प्रवचनम पिद्दा संधि सुखाभव। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव आचार्यो अरणिर आद्यो साद अंतेवावशी उत्तरारणी तत्संध्यानम प्रवचनम विद्या संधि सुखाभव। उद्धव जब दो उड़न पीस लकड़ी का टुकड़ा एक दूसरे का एक को नीचे रखा एक को ऊपर में रखा, सूखा लकड़ी और घिस रहे, छट 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 करके घिस रहे, अचानक आग जल जाएगा। सूखा लकड़ी है, घिसते घिसते आग जल जाएगा। तो अर्जुन ए उद्धव इस यूं समझ लो,
आचार्य अरणी आद्य आद्य अरणी जिसके द्वारा तुम घर्षण कर रहे हो, ये आद्य अरणी। और जो नीचे में है ये है अंत अरणी। मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है, कृष्ण कहना चाहे कि ऊपर का लकड़ी जो है ये गुरु है, नीचे का लकड़ी जिसका साथ ऊपर का लकड़ी घर्षण कर रहा है, घर्षण छाट 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 और आग जलाने के लिए। आचार्य अरणी आद्यो आद्य अरणी फ्रिक्शन कराने वाले जो ऊपर का, ये है आचार्य गुरु है, और नीचे का शिष्य है। इसका संध्यानम घिसना, घिसो घिसो घिसो, ये प्रवचन है। घिसते घिसते पास आग जला दो, इसका नाम विद्या संधि सुखावो, आग जल जाए। प्रवचन कहते रहो करते रहो करते रहो, आचरण को दिखाते रहो दिखाते रहो, बस झट से शिष्य के हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया ना, दिव्य ज्ञान हो गया, आग जला दिया, स्पिरिचुअल फायर, सेवा का जो आग है जल गया। अब सेवा छोड़ के मैं कुछ नहीं जानना चाहता, प्यार की सेवा का आग जल गया हृदय में। अब पूरा जीवन जिंदगी मेरे को सेवा में ही, मेरा जिंदगी मेरा कर्तव्य निभाना है, सेवा करना है और कुछ नहीं। आचार्य अरणिर आद्य साध अंते वावशी उत्तरारणी तत्संध्यानम प्रवचनम विद्या संधि सुखावह। आहा, बाद में क्या होगा? अग्नि का शोधग्ध करके निर्वापित हो जाता है। और ऐसा करके ये जो विद्या है अविद्या है, ये अविद्या को जलाने के लिए विद्या को यूज किया है। बाद में मेरा हृदय में अभिमान रहे, मैं विद्वान हूं, हो गया छुट्टी, अब फिर गिर जाएगा। तो इसीलिए विद्या अविद्या दोनों को ही त्यागना है, मतलब शुद्ध भक्ति उदय करा के बस चले जा। अब हम रहे विचार, अरे मैंने विद्या के द्वारा अविद्या को जलाया है, मैं विद्वान हूं, हो गया छुट्टी, अब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए विद्या अविद्या दोनों को ही विदा करना है, विदा अलविदा करना है, और शुद्ध भक्ति का उदय हो जाए गुरु जी से, बस हो गया, और क्या चाहिए। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध ज्ञान है, कुछ कमी नहीं। केवल हम अविद्या को हटाकर छोड़ दिया, विद्या को कुछ नहीं किया, तो शुद्ध भक्ति नहीं लाभ होगा। ये जो विद्या है आगे चलकर तुमको मुसीबत में फंसाएंगे। अच्छा, हाँ, ये अविद्या को हटाओ और विद्या को भी अलविदा जना बोला बोल दो, और शुद्ध भक्ति नहीं तो लाभ होने वाला। अविद्या अविद्या मेरे को नीचे जगत में ले जाएगा, गिरा देगा अविद्या, और विद्या ऊर्ध्वगति अरुज्य कृच्छेन परम पदम तथा पतति यादव। अरे विद्या क्या करे, भक्ति हो तो विद्या तो है ही है, है? भक्ति है तो, भक्ति अगर है तो विद्या तो है ही है, है? तत्वविद भगवत तत्व विज्ञान विद्या है, और बाकी विद्या क्या करूं। मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, कितना ऊंचा हूं, ऊंचे चलो ऊंचा चलो ऊंचा, मैं ब्रह्म बन जाए, हा, 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 मैं ब्रह्म बन जाऊं, ब्रह्म अहम बदन परिफुल्लान जोरो मतीनो किम एतानो सोचामो विषय रसमत्यानो नरो पशुनो ओहो न अहो हो मिलत है। ये जो अभी भी गौड़ का साथ इसका भेंट नहीं हुआ, खिल्ली हंसी उड़ा रहे, मैं ब्रह्म हो गया, मैंने ब्रह्म हो गया, ये तो विद्या है, है? ये विद्या चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। उविद्या, ये उविद्या हो गया, अतिविद्या और भयंकर है। अविद्या खतरनाक है, अविद्या खतरनाक है, हर आदमी ये कबूल करेंगे
विश्वास करेंगे अविद्या खतरनाक है, विद्या विद्या ये भी मुश्किल है, और आगे चल के विद्या और अविद्या जो है ये अति विद्या, विद्या चलो ठीक है तब भी फिर विद्या को देके माया का पीछा छुड़ाया, लेकिन वो विद्या अति विद्या वो और भयंकर, विद्या से बढ़कर खतरनाक है, अविद्या खतरनाक है। विद्या अगर सही ढंग से यूज करो इट कैन गिव रिजल्ट, और अति विद्या ओ उ विद्या वो और खतरनाक, और खतरनाक है। इसलिए भक्त बनने का कोशिश करना उचित है। विद्या अनुशीलन के द्वारा शुद्ध भक्ति लाभ हो गया तो विद्या को क्या करें, विद्या के द्वारा गुरु सेवा के द्वारा जिंदगी में मिल गया और शांति मिल गया, शुद्धि मिल गया, विषय वासना से छुटकारा मिल गया, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। भगवान का नजदीक जाने का क्वालिटी मिलेगा, क्वालिटी जो है ना ये विद्या का अनुशीलन के द्वारा शुद्धा भक्ति लाभ होता है, अगर सही ढंग से करो तो, और भक्तो शांत हो जाता है, मतलब भगवान का करीब पहुंचने का उसका अंदर में जो योग्यता है क्वालिटी है ये पैदा हो जाता है। अर्जुन उद्धव जी ने ये सब बातें बहुत आराम से सोचा है, विचार करके बहुत, ठाकुर जी कह रहे हैं ये जगत में, उद्धव कह रहे हैं ये जगत में हैं तुम्हारा भजन करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा, इसका क्वालिटी क्या है, इसका चाल बोल कैसा है। उद्धव जी ने प्रश्न किया, ठाकुर जी आपने तो सब बताया, ये शुद्ध भक्ति है, फलाना है, ये सब बताया, ठीक है चलो, लेकिन ये जो आपका सन्मुखीन हो जाना, आपसे तो विमुख है, अगर उन्मुख हो जाए भक्ति करने लग जाए तो ठीक है, ये जगत में जो तुम्हारा सामने आ जाए उन्मुख, माता भक्तिमान हो जाए, ये कैसे समर्थ होगा, कैसे हो पाएगा, और उसका चलना बोलना उठना देखना भोजन ये कैसा है, आचार आचरण अनुष्ठान किस प्रकार का हो सकता है, जैसे कि हम अंदाजा लगा सके, अरे अंदाजा लगा सके तुम समझ सकोगे। अर्जुन और उद्धव जी महाराज जी कृष्ण मन अंदाजा नहीं है, तुम समझ सकोगे, तुम समझ जाओगे, मैं बोल रहा हूँ नित्य शुद्ध और नित्य मुक्तो, नित्य शुद्ध और नित्य मुक्तो जो साधक के पार्थक्य क्या है। उद्धव जी महाराज बोला ये सब बातें ये सब तत्व ज्ञान आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों आप छोड़ के कोई ऐसा है जो मेरे को ऐसा प्यार से समझाएगा, नित्य शुद्ध और नित्य मुक्त ये जो है ये सब साधक है, और नित्य बौद्ध कौन है, नित्य मुक्त कौन है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। भगवान को बोले, कृष्ण को बोले मैं जानना चाहता हूँ ये क्या सिम्टम है, क्या है। भगवान ने बोले देखो नित्य बौद्ध और नित्य मुक्त ये जो इसका जो क्या डिफरेंस है, क्या पार्थक्य है, क्या विशेष है। भगवान कहें कि उद्धव देखो बंधन और मुक्ति ये दो भाव जो है एक गुणगत है, प्रैक्टिकली आत्मा को देखो गैर से देखो आत्मा शुद्ध है, आत्मा को कंटामिनेशन कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये भूतों का ये माया देवी का खेला है, ये माया प्रकृति का गुणों के द्वारा इसको कवरिंग करके, इसका जो चेतना है इसको कवरिंग करके एनवेलप करके इसको बोका बना के, जैसे पिसाची पाइले जो था मोती छन्न है मायाबद्ध जीवेर है सेवा उदय, कृष्णदास कुबेराज गोस्वामी ने लिखा है चैतन्य चैतन्य में, पिसाची पाइले जो था मोती छन्न है मायाबद्ध जीवेर है सेई भाव उदय। पिसाची अगर किसी का अंदर में घुस गया,
कि आत्मा को मार डालेगा, अरे आत्मा को मारना संभव नहीं, आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन पिशाची क्या करे, पिशाची शरीर का अंदर घुसकर इसको माइंड को सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म मन को कवरिंग कर दे, करके अपना अपना खेला चलाए भूतों का माफी। आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ सकेगा, लेकिन आत्मा का जो चेतना है इसको कवरिंग कर लिया। ये पिशाच भूत प्रेत क्या करता है, भूत प्रेत घुस जाता है, घुस के इसका चेतना को कवरिंग कर दो, जैसे इसका कॉन्शियसनेस का लेवल नीचे आ जाए तो ये शरीर लेके मैं खेल करूं, तो ये शरीर लेके मैं खेला करूं, यही तो काम है ना, भूत प्रेतों का क्या काम है, यही तो काम है। चेतना तो मार नहीं डाले, चेतना तो है ही है, चेतना को खा गया क्या, नहीं खा गया, चेतना तो है ही है, लेकिन चेतना का अंदर, चेतना अंदर में शरीर का अंदर में, बाहर का पंचभौतिक शरीर है, उसका बाद सूक्ष्म शरीर है, खिति अपोतेज मरुद्भम, ये सब जो एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट्स है, हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर है, और मोटा शरीर जो बना हुआ है पंचभौतिक, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसको हर हर हालत में कवरिंग कर देगा। अगर पिशाची पाइली जथा मोती छन्न है, पिशाची भूत प्रेत अगर अंदर में घुस गया, बैस हो गया, चेतना को कवरिंग कर दो और उसका ये शरीर लेके मजा लूटो, यही तो काम है। भगवान कह रहे हैं देखो ये विशेष ये है कि ये मुक्त और बद्ध जो है ये भाव में है, प्रैक्टिकली जो है देखो ये बंधन और मुक्त दो भाव गुणगत है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, वस्तुतः ये कुछ भी नहीं है, एक मैजिक है। अच्छा हाँ मैजिक है, देखो गुण का मतलब सत्तादि त्रिगुण, गुण का मतलब क्या है, हैं सतरज तमगुण, ये जो सतरज तमगुण है, ये जो सतरज तमगुण है, ये सतरज तमगुण का सागर में हर आदमी डूबे हुए है। आई बात समझ में, ये सतरज तमगुण का जो सागर में ये सारे सारे जीव डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं, ये सागर है इन्फिनिटी ओशन सतरज तमगुण का। ये बंधन और मुक्ति ये दो भाव गुणगत है, वस्तुतः कुछ भी नहीं, और उद्धव ये कुछ भी नहीं, गुण अर्थ सतरज तमगुण ये जो है ये माया का विकृति है, मैं मायाधीश हूं, मेरे को ये माया का प्रभाव छो नहीं सकता, ये माया का प्रभाव मेरे को छो भी नहीं सकता, मैं मायाधीश हूं, हैं मेरा बंधन भी नहीं है मुक्ति भी नहीं है, मेरा क्या मुक्ति है, मैं तो चिन्मय हूं अनंत काल से। तो जो जीव अनंत काल से नित्य है उसका भी भला कैसे बंधन और मुक्ति प्रसंग आ सकता है, हैं? मैं अनंत काल से विराजमान हूं तो कहां से ये प्रश्न आ गया, मैं बद्ध हूं क्या मुक्त हूं, अरे मुक्त अगर बोले तो पहले बद्ध था इसीलिए मुक्त। आई बात समझ में, अगर बोले भगवान मुक्त है ये बोलना उचित नहीं है, अपराध हो जाएगा, क्योंकि अगर पहले बंधन है तो मुक्ति का प्रसंग आता है, बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कहां से आएगा, अरे ये तो नित्य स्वरूप स्वरूप में भगवान सच्चिदानंदमय है, और आत्मा जो है ये भी तो स्वरूप में नित्य विराजमान है, तो इसका ऊपर जो माया का पर्दा लग गया उसके द्वारा महसूस होता है, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं वो हूं, मैं पैसा वाले हूं, ये गरीब है इसको फेंको, करता अहम इति मन्नति। आत्मा तो नित्य है, आत्मा को कौन डाले, यही तो बात है, यही तो बात है, आत्मा को कौन ने डाला, किसने डाला, भले यही तो बात है, ये माया का खेल है, यही तो बात है, कहां से आ गया, हैं? मेरा कोई बंधन और मुक्ति का कोई प्रसंग नहीं आता, और जीव भी मेरा, मामी भी अंश जीव बोलो के जीव तो सनातन, ये जीवात्मा मेरा अंश है, ये इतना क्षुद्र है कि अविद्या के बंधन में जा सकता है।
और विद्या का आमने सामने आ गया तो मुक्त हो जाए, क्या करे। एक उदाहरण हे उद्धव, मैं एक उदाहरण देता हूं, एक मिसाल, एक उदाहरण दे दे, समझ में आएगी। एक पीपल वृक्ष है, एक अश्वत्थ वृक्ष, उपनिषद में आता है, भगवत में भी आता है, आपने सुना भी होगा लेकिन अनुभव नहीं आई। क्यों? बल ऐसे ही सुने हो, ऐसा जगह सुने हो, मनमानी सुने हो, अनुभव में नहीं आई। अगर ये सब तत्व विज्ञान अगर अंतर से सुनोगे, मेरा प्रतिज्ञा रहा आज नहीं तो कल आपका बंधन छूटेगा छूटेगा छूटेगा। जो सिंसियरली सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है, मैं कोई ठेका नहीं लेने वाला, मैं ठेका नहीं लेंगे, मेरा समय नहीं। जो इच्छा मर्जी करो, जो इच्छा मर्जी करो, मैं अपना खून दे रहा हूं, जो इच्छा मर्जी करो, मैं क्या करूं। भगवान ने बोला देखो मैं एक उदाहरण दे दे उद्धव, ऐसा एक पीपल का वृक्ष है, यूं समझो एक पीपल का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष में दो पंछी हैं, अच्छा दो पंछी हैं, एक पंछी जो है ये वृक्षों का फल खाते रहते हैं और दूसरा जो वृक्ष है ये वृक्षों का कोई फल हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी जिंदा है, हो सके कि अमृत पीला हो पिया होगा, कौन जाने हैं, ये कुछ खाता पीता नहीं है, चुपचाप टकटकी लगाकर देखते रहते हैं दूसरा पंछी क्या करते हैं, उसका क्या मोटिव है, क्या करना चाहिए, इसको देखते रहते और कुछ नहीं करते, अच्छा चुपचाप देखते रहते। हाँ, इसी का नाम आगे चल के ठाकुर जी ने बताया ये आत्मा और परमात्मा का प्रसंग है। आई बात समझ में उद्धव? ये शरीर जो है इसको वृक्षों माना जाए, ये संसार को भी वृक्षों माना जाए, जो तुम्हारा मर्जी। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम, ये जो देहरूपी जड़ है ये ऊपर है, संसार रूपी वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष या तो शरीर रूपी वृक्ष है, इसका जो जड़ है ये ऊपर है, ये नीचे नहीं है। और ये दुनिया का जितना सारे पेड़ पौधा है ये नीचे चलता है, ये ऊपर है। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम, उद्धव ये समझ लेना एक वृक्ष है आत्मा, एक परमात्मा है। परमात्मा अमृतमय पुरुष है, कुछ खाता ही नहीं, लेकिन आत्मा जो है जीवात्मा ये माये में फंस गया और संसार रूपी जो वृक्ष है या तो शरीर रूपी जो वृक्ष है इसमें पैदा होने वाले जो पाप पुण्य का फल है, पाप या पुण्य का जो फल है ये संसार वृक्षो या तो शरीर वृक्षो, इसका जो पाप पुण्य का जो फल है ये खाते रहते, कौन ये जीवात्मा, ये मानता नहीं, ये खाते रहते, खा जितना जी खा ले जा जितना इच्छी, ये पंछी फल खाते इसीलिए बद्ध है संसार रूपी ये वृक्षों का, ये जो सुख और दुख रूप दो फल है वो खाते रहते, खा इसका जो आनंद है जरूर है, ये भी चिन्मय है आनंदमय है, लेकिन क्या कहे दुख की बात है, इसका आनंद मायावृत है, इसका आनंद जरूर है लेकिन इसका आनंद माया से ढक गया। जैसे बादल के द्वारा चंद्रमा ढक जाते हैं, सूरज ढक जाते हैं बादल के द्वारा, जो पंछी ये संसार वृक्षों का फल खाते रहते हैं, सुख दुखों का ये नित्यबद्ध होके रहते हैं, क्या कहें, वो आनंद पूर्ण नित्यानंद जो है, जो दूसरा नित्य मुक्त जो है अजीब, जिस पंछी ये फल कभी नहीं खाता है, नित्य मुक्त है, ये आनंद पूर्ण नित्यानंद चीरो तृप्त और विद्या युक्तो नित्य मुक्तो और अविद्या युक्तो मीन नित्यबद्ध, यही पाक है। आई बात समझ में उद्धव? अब देखो बात यह बनता है,
जो अविद्याया मुक्त सौ नित्य बद्धो विद्यामयो ज सौ नित्य मुक्त। और ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है। ऊर्ध्वमूलम अधो शाखम, ऊर्ध्वमूलम अधो शाखम प्राहुर अभ्ययम, इसका ब्रांचेस इधर है, इसका जड़ जो है संसार रूप वृक्ष जो है, ये जड़ जो है ऊपर है ऊर्ध्व दिखे, कौन समझे। अगर अगर शरीर का भी विचार ले लो, इसमें देखोगे शरीर का अंदर में मस्तिष्क को, ये जो ब्रेन है मस्तिष्क को सहस्रो दौले परमात्मा अधिष्ठित है, परमात्मा के द्वारा प्रेरणा लेकर सब काम होता है, मूल उत्स। और विज्ञान के अनुसार भी मस्तिष्क को चलाता है शरीर को, हैं? ये मानव उद्धव, ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर जो है उद्धव, ये दैवाधीन, इसका कोई गारंटी नहीं है। हे उद्धव, ये जो मानव शरीर है मिल तो गया, लब्धा सुदुर्लभमिदम बहुशम बबान्दे मनुष्यमर्थतम अनित्यम अपीह धीरो तूर्णम जतित न पतित उन्मित्त यावत निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतो साथ। ये तो मिल तो गया लेकिन ये दैवाधीन, कब चले जाए कोई ठिकाना नहीं। पूर्व कर्मफल के अनुसार हम चलेंगे, इसको ही दैव बल बोला जाता है। ये शरीर में अभी बद्ध बद्ध होके रहा, बद्ध होके रह गया, और आगे चल के देखो क्या होता है। सो ऐसे ही उद्धव संगमा, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश बड़ा अनोखा है। कोई अगर समझे, यूं समझ लो कि ये प्रवचन सुनने का बाद ही उसका रास्ता खुल जाएगा 100%। अगर सिंसियरली सुने तो, नहीं सुने मेरा कोई गारंटी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हैं? मैं क्या करूं, कुछ नहीं है। तो ऐसा ही है, आज यहां तक विश्राम दे दे, आप यहां तक विश्राम दे, कल फिर चर्चा हो पाएगा। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुशं वमन्ते मनुष्यमर्थतमनित्यमपि हधीर तूर्णं यतेत न पतेत अनुमित्तो यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः साक्। वाञ्छाकल्पतरुष्य के बासिन्दे पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।